इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। जनता कर्फ्यू, यह आज का वो दिन था जब कोरोना को हराने के लिए प्रधानमंत्री ने 22 मार्च रविवार को देशवासियों से बंद की अपील की थी और इस कर्फ्यू के दौरान नगर सहित जिले भर के लोगों ने घरों में रहकर कर्फ्यू सहयोग किया। जनता कर्फ्यू का असर टीकमगढ़ शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। मास्क लगाए कर्मचारी नगर की गली चौराहों पर ड्यूटी में तैनात रहे। शहर की अधिकांश दुकानें बंद रही। शासकीय और अन्य कार्यालय रविवार होने से भी बंद रहे। आपको बता दें कि इसके लिए कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह द्वारा भी लोगों से अपील की गई थी कि घरों पर रहें। जनता कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए प्रशासन, पब्लिक और प्रेस का सहयोग मिला। नगर में पुलिस के द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। कोरोना वायरस जो एपिडेमिक है, एक पैंडेमिक के रूप में हमारे लिए सबसे बड़ी हमारा एक चुनौती बन के खड़ी है। मैं सारे जिलावासियों से यह आग्रह करना चाहूँगी कि अभी का समय, अगला कम से कम 10 से 15 दिन बहुत क्रूशियल है। इसमें हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। आपसे मैं अपील करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बिताएं। बहुत आवश्यक हो तभी आप बाहर आएं। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिले में आज से हम लोगों ने कई तरह के आदेश प्रसारित किए हैं MP पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत, जिसके अनुसार जो हमारे नॉन एसेंशियल दुकानें हैं, केवल एसेंशियल सर्विसेज इनकी, जैसे कि हमारा खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई दुकान है या दूध दही का दुकान है या सब्जी की दुकान है, इन सब दुकानों को छोड़ के बाकी पूरा मार्केट हमारा बंद है। इसके अलावा ही सारे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, जितने भी हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं वो सारी जगह बंद है। मैरिज गार्डन्स को भी हम लोगों ने बंद करने के लिए आज से निर्देश प्रसारित कर दिया है। ओवरऑल एक जनरल, आप सभी को पता है जो कि कोरोना COVID-19 संक्रमण, जिसको कि WHO द्वारा विश्व महामारी पैंडेमिक घोषित किया गया है, इसके चलते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और राज्य स्तर से और जिला स्तर के मुखिया मैडम कलेक्टर द्वारा हमें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। समय समय पर इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हम जिस स्टेज में पहुंच चुके हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। घबराए नहीं, शासन प्रशासन का सहयोग करें। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। We will give the familiar education, sports, mind game, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.